हेलो, मैं बोल रहा हूँ। जी सर। अच्छा, डीके सर की कुछ बात हुई मानव से? मतलब कोई फ़ोन वगैरह, कुछ पता चला उनकी बातों से मानव वापस कब आ रहा है? सर अभी तक तो मानव सर का कोई फ़ोन वोन नहीं आया। कब वापस आ रहे कुछ कहा नहीं जा सकता सर। ठीक है। अच्छा वो मेरे दूसरे काम का क्या हुआ? दूसरा काम सर? मैंने उस आदमी के बारे में पता करवाने के लिए कहा था ना, जिसने करंज कर घर खरीदा है। नहीं सर, अभी तक तो कुछ पता नहीं चल पाया है, लेकिन मेरी कोशिश जारी है सर। जैसे ही कुछ पता चलता है आई विल लेट यू इन्फॉर्म सर। लेकिन जो भी करना है जल्दी करो। ओके सर। वैशु, कहाँ गई थी तुम? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। वैशु, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। तुमसे बात कर रहा हूँ वैशु। धर्मेश, जो लोग वादे निभाना नहीं जानते, मैं उनसे बात नहीं करना चाहती। वादा? कौन सा वादा? क्या बोल रही हो तुम? देखा, तुम्हें तो ये भी याद नहीं कि तुमने मुझसे कोई वादा भी किया था। वैशु प्लीज, ये घुमा फिरा कर बातें करना बंद करो और सीधे सीधे बताओ, मैंने कौन सा वादा नहीं निभाया? धर्मेश, तुमने मुझसे वादा किया था कि करंज का घर खरीद कर तुम मानव जीजू और ताई को देने वाले हो, लेकिन तुमने ऐसा कुछ नहीं किया। और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम्हें ताई और मानव जीजू को मना किया होगा हमारा घर खरीदने से। शायद आज तुम्हारी वजह से हमें अपना घर गंवाना पड़ा। वैशु, एक मिनट रुको प्लीज। कैसे बेहुदा इल्जाम लगा रही है मुझ पर? किसने कान भरे हैं तुम्हारे? तुम्हारे अर्चू ताई है ना, मैं जानता हूँ वैशु, उसी ने तुम्हें उल्टी सीधी बातें बताई थी। अपना घर तो संभाल नहीं पाती, इसलिए हमारा घर बर्बाद करने पर तुली। वैशु, तुम समझती क्यों नहीं? अर्चना से हमारा प्यार, हमारी खुशियां नहीं देखी जाती, इसलिए वो तुम्हें मेरे खिलाफ भड़काकर हम दोनों में दरार डालना चाहती है। से जिंदगी में सिर्फ एक ही बार गलती हुई है और उसके लिए मैं तुमसे माफी मांग चुका हूँ। पता नहीं अर्चना क्यों। बस करो धर्मेश, ताई के खिलाफ एक शब्द भी बोला तो। मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ जो कोई भी आकर मेरे कान भरेंगे और मैं उनकी बातों पर यकीन कर लूंगी। उन्होंने मेरे कान नहीं भरे। मुझे हमारे पड़ोसियों से पता चला है कि तुमने नीलामी के वक्त क्या क्या किया था वहां पे। धर्मेश, अब तुम्हारा कोई नाटक मेरे सामने नहीं चलेगा, क्योंकि मैं जानती हूँ तुम बदले की भावना में इतने अंधे हो चुके हो कि तुम्हें कुछ नहीं दिख रहा। बकवास बंद करो और मुझे ये बताओ, इतनी देर तक कहाँ थी तुम? मैं ताई के घर गई थी, आई से मिलने। आई की आज शादी की सालगिरह है। उसी खुशी में ताई ने हम परिवार वालों के लिए एक गेट टुगेदर रखा है, उसी का न्योता देने आई थी मैं। लेकिन अब मुझे लगता है तुम वहाँ नहीं आओगे तो ही अच्छा रहेगा। कम से कम तुम्हारे मन में बसी हुई नफरत लोगों तक तो नहीं पहुँचेगी ना। ये सब क्या है? हाँ, ये अपने घर को इतना सजाया क्यों है? आई, तूने मुझसे क्या वादा किया था कि तू कोई सवाल जवाब नहीं करेगी, तो बस मैं जैसा कहती हूँ वैसा कर। अच्छा अच्छा, तो विनोद, आई तुझे मुझ पे विश्वास है ना? मैं कभी कोई ऐसा काम नहीं करूंगी जिससे कि तुझे तकलीफ हो। चल। पैंतीस साल पहले आज ही के दिन मैंने इस घर में बहू के रूप में प्रवेश किया था। मैं जानती हूँ, इसीलिए तुझे इस घर में वापस लेकर आई। आई तू ही कहती है ना कि तेरी अर्जू तेरी खुशियों को दूर से ही बाप लेती। मुझ पे विश्वास रख और अंदर चल, तेरे लिए ढेर सारी खुशियां तेरा इंतजार कर रही। सच्ची चले, आई आई। शादी की सालगिरह की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर सुलोचना, हमारी तरफ से भी ढेर सारी शुभकामनाएं। सुनिए, मैं आप सब लोगों को शुक्रिया कहना चाहती हूँ कि आप सब लोग मेरे आई बाबा की शादी की सालगिरह पर आए। थैंक यू वेरी मच। आई, थैंक यू कि आज आप मेरे साथ यहाँ आई। मेरे लिए चीज बहुत ज्यादा मायने रखती है, आपका साथ बहुत मायने रखता है, इसीलिए तो मैं तेरे साथ साई की तरह रहती हूँ। आती अर्चना, अच्छा हुआ तो अपनी आई को यहाँ लेके आई। नहीं वैसे भी मैं उसको घर से निकालने वाली ही थी। बापा करे और ये खुद ब खुद यहाँ से चली जाए। आई, तो मुझे यहाँ क्यों ले? बिना टिकट का तमाशा दिखा रहे। वैसे इन लोगों की खुशी ज्यादा देर तक टिकती नहीं है, आज भी नहीं टिकेगी। देखो थोड़ी देर में बड़ा तमाशा होगा। चलो ये तमाशा भी देख ही लेते हैं। आई, सबको एक साथ देखकर अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है अर्जुन, लेकिन इतना सब कुछ तूने अकेले नहीं। मैंने अकेले नहीं, वैशु थी ना मेरे साथ। अच्छा, तो इसका मतलब ये तुम दोनों की मिली भगत है। हाँ, लेकिन मैं जानती थी अर्जुन कि मेरी बेटियां ही मेरी ये सब कुछ कर सकती है, मुझे ये खुशी दे सकती है। खुल गया पर्दा, अब ये आकर उनकी खुशी में जरूर रोड़ा डालेगा। भाई, शादी की सालगिरह बहुत मुबारक हो। आज आपको बधाई देने का दिन है, लेकिन मैं आपसे कुछ मांगने आया हूँ। चलिए आशीर्वाद दीजिए। भगवान तुम्हें सद्बुद्धि दे। वैशु चल अंदर चलते, बहुत सारा काम पड़ा है ना। अच्छा आ गई तुम दोनों। अरे मुझे तुम दोनों का कब से इंतजार था। अब ये सेलिब्रेशन सही मायने में पूरा होगा। मेरी पोतियों के बगैर तो मेरी सारी खुशियां अधूरी रह जाती। जा अंदर जा। मेरी बेटियों पर मुझे बहुत नाज है। आज का ये दिन तुम दोनों ने मेरे लिए खास कर दिया है, इसे मैं कभी नहीं भूलूंगी, कभी नहीं। ताई तो बिल्कुल सही कह रही थी कि आई के इस घर में आते ही वो उसके सारे दुखों को भूल जाएगी और फिर से मुस्कुराने लगेगी। देख कितनी खुश है वो, है ना। अब उसकी इन खुशियों को किसी की नजर ना लगे। चल। सविता ताई, आपकी जितनी तारीफ की जाए उतनी ही कम है। आजकल के जमाने में आप जैसे लोग बहुत कम देखने को मिलते हैं। अरे ऐसा क्या किया मैंने? सविता ताई, आपने हमारे सुलोचना ताई को इतने दिन अपने घर पे पनाह दी, ये कोई छोटी बात है? मैं सुलोचना ताई की सहेली होने के नाते आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपने उनका इतना अच्छा ख्याल रखा। अरे ये सुलोचना ताई का ही नहीं बल्कि अर्चना का भी बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखती है। अर्चना को अपनी बहू नहीं बेटी समझती। बेटी अर्चना तो बहुत नसीबों वाली है कि उसको इतनी प्यारी सास मिली है। तुम्हें रुचि, तुम दोनों यहाँ कैसे आए? किसने छोड़ा तुमको? बाबा ने। बाबा ने? तुम लोगों को बाबा ने बताया आज क्या है? नहीं, वो तो हमने आपको और वैशाली आते को हमारे घर से वापस जाते वक्त बातें करते हुए सुना था। फिर हमने बाबा से कहा कि हमें भी सुलोचना जी को बधाई देने जानी है, तो उन्होंने हमें परमिशन दे दी। आई हमें आने से मना कर रही थी, लेकिन बाबा ने उनकी एक नहीं मानी और हमें यहाँ तक छोड़ने भी आए। शायद हम लोग विनोद दादा से कुछ ज्यादा ही सख्ती पेश आ रही है। उनका रवैया देखकर तो लग रहा है कि वो अपनी गलती पर पछता है और पछतावे को सजा नहीं, क्षमा मिलनी चाहिए। जाओ तुम लोग जाओ। नहीं, हम कुछ गलत नहीं करते। विनोद दादा इसी लायक, उनकी बुरी करतूतों की वजह से आज उन्हें ये सब कुछ देखना पड़ रहा। फिर भी मुझे दादा को थैंक्स कहना होगा। वहीं से लड़ झगड़ कर उन्होंने पुण्य रुचि को यहाँ भेजा, सिर्फ आई के खाते। अरे क्यों रो रही हो? मत रो, कुछ नहीं हुआ हमारी रुचि को, कुछ नहीं हुआ। शांत हो जा, एकदम चुप, बिल्कुल चुप। कुछ भी नहीं हुआ है हमारी रुचि को, कुछ भी नहीं हुआ है। और उसके आज ही उसके एहसास है ना, तो उसे कुछ हो भी नहीं सकता, है ना। चुप हो जा। मुझे गम्मत बताओ, तेरी अर्चू आत्या जब छोटी थी ना, तो फिसलकर इसी जगह गिर गई थी और फिर उसने जोर से रोना शुरू कर दिया था। उसके पैर में चोट आ गई थी, खून बहना शुरू हो गया था। मैं तो उसकी वो हालत देखकर इतनी घबरा गई थी कि मैंने भी रोना शुरू कर दिया था। अब क्या गम्मत हुई पता है? मेरे आंसू देखकर अर्चो अपना सारा दुख दर्द भूल गई और मुझे ही समझाने लगी, आई चुप हो जा, आई चुप हो जा। अच्छी चली गम्मत। सुलोचना, तेरी याददाश्त पे तो दाद देनी पड़ेगी। अगर इतनी छोटी छोटी बातें तुझे आज भी याद है? बिल्कुल सही कहा तूने, मुझे सब याद है। इस घर की कोई भी चीज मैं कैसे भूल सकती हूँ? वो कोना है ना, यहाँ खड़ी होकर मेरी छोटी सी अर्चु ने पहली बार मुझे आई करके बोला, यहाँ खड़ी होकर। और यहाँ इस खिड़की के पास खड़े होकर अर्चु के पापा ने पहली बार अपने प्यार का इजहार किया, वो भी शादी के 3 साल के बाद। सुलोचना तो बड़ी किस्मत वाली है। इस उमा को ही देख लो, इसके पति ने आज तक इससे प्यार का इजहार नहीं किया। और पता है, यहाँ बिल्कुल घर के बीच में खड़ी होकर वर्षा वैशाली का जोरदार झगड़ा हुआ था और डांट पड़ी थी अर्चु को। वो क्यों? क्योंकि वो सिर्फ उन दोनों का झगड़ा देखती रह गई, उन्हें मनाने की कोशिश ही नहीं की। फिर मैंने भी खूब डांट दिया था अर्चु को। यहाँ यहीं पर हुआ था वो झगड़ा। यहाँ इस टेबल पर बैठकर अर्चु के बाबा रोज अपना पुराना रेडियो दुरुस्त करने लगे और मैं कहती थी आओ, आपसे ये नहीं होगा, और वो कहते थे अगर सुन लो चलना मैं ये ठीक। क्या वादा किया था कि तू आज के दिन नहीं रोएगी, तो फिर क्यों रो रही है? आई तो यहाँ आई थी अपनी पुरानी यादों को फिर से ताजा करने और नई यादों को साथ में ले जाने, है ना? नहीं रोऊंगी, बिल्कुल नहीं रोऊंगी। यहाँ से सिर्फ खुशियां ही अपने साथ लेकर जाऊंगी, खुशियां लेकर जाऊं। हम जाके सुलोचना ताई को बधाई देते हैं। बेचारी आज की रात इस घर में रह पाएगी, कल से नहीं। मुश्किल से सुलोचना ताई और उस दोस्तों से जान छुड़वा कर आ गई आप। ये सुलोचना ताई एक नंबर की जज्बाती और ड्रामेबाज औरत है। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। अरे हमारी भी अपनी यादें हैं, लेकिन हम उसकी दुहाई देकर किसी के सामने रोते नहीं है। ऐसे तो आपके पास रोने की कोई वजह भी नहीं। आप बहुत अमीर थी, आपके पास उसकी यादें जुड़ी है। अभी अच्छी अच्छी यादें हैं तो रोने का सवाल ही पैदा होता नहीं। लेकिन मेरी जिंदगी में कड़वाहट ही कड़वाहट है। ताई, जब हम अमीर बन गए तभी जाके वो कड़वाहट थोड़ी सी कम हो गई, लेकिन अभी मीठी मीठी नई नई यादें जमा हुई है। आप तो पुरानी यादें और पुराने पैसों में ही दिलचस्पी लेती। भाई आप मेरी बात छोड़िए ना, आप अपनी तरफ देखिए। मुझे एक बात बताइए, आप सुलोचना ताई को आप कितने दिन अपने घर रखेगी? हाँ, उन्हें हटा दो अपनी जिंदगी से, हटा दो अपनी यादों से। आप उसकी चिंता मत कीजिए। आप मुझे बताइए, आप यहाँ सुलोचना ताई की खुशियाँ देखने आई हैं या आपकी बेटी की बर्बादी? खैर जाने दो, हम जाके सुलोचना ताई को बधाई देते हैं। बेचारी आज की रात इस घर में रह पाएगी, कल से नहीं। एक रात की चांदनी